टेलीविजन के सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। अच्छा, वो आपने यूज किया एक बार फिर से दोबारा शादी हो रही है। हम खुद सोच में पड़ जाते हैं क्या फिर से शादी, लेकिन ये टीवी है और टीवी में ट्विस्ट एंड टर्न्स का होना बहुत जरूरी है, तभी ट्रैक्स आगे बढ़ते हैं, सो कॉल्ड टीआरपीज आती हैं। तो इसमें भी ऐसे ही है कि हमने बताया है कि विविधा की शादी हो रही है और पहले ये लगता है कि शादी में दूल्हा मैं हूँ, लेकिन बाद में मैं शादी करवाने वाला हूँ, करने वाला नहीं हूँ, और मैंने और विविधा की अथर से शादी करवाई। ओके, तो अभी 6 महीने का लीप भी आने वाला है, तो इसमें क्या इंटरेस्ट? ये लीप के बाद का ही सीन है पहला। अच्छा, ये लीप के बाद का सीन है, मतलब फाइनली शादी हो चुकी है। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि बस ये शादी हो गई है, क्योंकि रवीश की जिंदगी में वैसे ही बहुत दुख है, बहुत दर्द है, अब मैं उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहता हूँ। ओके, क्या नया ट्विस्ट एंड टर्न आगे देखने मिलेगा? मैं आपको सच बताऊं, मुझे खुद को कुछ नहीं पता होता कि आगे क्या ट्विस्ट हैं, क्या टर्न्स हैं। आई हैव नो क्लू, मैं सच्चाई से कह रहा हूँ, मतलब ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे खुद को नहीं पता कि आगे कैसे क्या चीज़ें कहाँ अनफोल्ड होंगी। जहाँ दो दो बीबियाँ पहले संभालते थे बालिका वालों में, यहाँ एक भी बीबी नहीं मिल पा रही है, कैसा एक्सपीरियंस? मेरा ये मेरा अभी तक का ग्राफ है, अभी मैंने 2 शो किए हैं, मतलब बालिका और जाना, और मुझे वो लड़की कभी नहीं मिलती जिसमें मुझे प्यार होता है। तो यही मेरी जर्नी है, मतलब एक पेन से गुजरने वाली जर्नी को मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ। आई लव पेन। ओके, तो फैंस को लेके क्या मैसेज देना चाहेंगे? फ़ैन को बस ये मैसेज कि मेरे कुछ सीन्स की बड़ी तारीफ़ की ट्विटर पे, इंस्टा पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक आर्टिस्ट को जब उसके काम की प्रशंसा मिलती है, उसको स्नेह मिलता है, उसको प्रेम मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है, और आगे भी कुछ अच्छे सीन्स करने का मुझे मौका मिलेगा, तो बिल्कुल मैं पूरी शिद्दत से अपने फ़ैन्स को कोशिश करूँगा कि उन्हें मुझ पर प्राउड हो।